यूपी के कानपुर में तड़के सुबह रेल हादसा हो गया। यहां ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि साबरमती एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से अहमदाबाद के लिए चलती है, उसका इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकरा गया, इसके बाद पटरी से उतरा। इस घटना के बाद कुछ निशान भी देखे गए हैं। इसके अलावा कुछ निशान लोको से 16वें कोच के पास भी मिले हैं। शुरुआती जांच के अनुसार रेलवे ट्रैक में कोई फ्रैक्चर नहीं है। रेल मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा है कि हादसे के एविडेंस सुरक्षित कर लिए गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस मामले में जांच में जुटी है। इस घटना में यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। पैसेंजर्स के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि 22 बोगियां पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सभी यात्रियों को बस से वापस स्टेशन भेजा गया है। एक मेमो ट्रेन का भी इंतजाम किया गया है। देखिए, ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हीटिंग हुई है, तो वो तो खैर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएं, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम ब्रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं, वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है। तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। अब हम सब लोग यहाँ पर जो रेलवे की टीम यहाँ पर आई हुई है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, हम रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन कर लिया है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारा जो टूवर्ड्स कानपुर वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे पास एक तरीके से एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एक ही लाइन की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जामिन करने के बाद अभी रिस्टोर करने का काम शुरू कर रहे हैं। देखिए, हादसा तो इसमें डेरेलमेंट भले हुआ लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोग बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। जो अभी तक हादसा देखा गया है, काफी ये तो डिटेलमेंट के बाद हो ही जाता है। नहीं, उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज टकराने की आवाज आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अब इसके ऊपर हम वही हम लोग प्लान कर रहे हैं, टाइमिंग का अभी हम लोग असेसमेंट ले रहे हैं, आप लोग देख ही रहे। बता दें कि शुक्रवार देर रात कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के 22 डिब्बे बेपटरी हो गए, लेकिन इसमें किसी के हताहत या किसी प्रकार के जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई। इस हादसे को लेकर ड्राइवर ने भी कहा कि हादसा प्रथम दृष्टया बोल्डर के इंजन से टकराने की वजह से हुआ, क्योंकि जैसे ही बोल्डर इंजन से टकराया वैसे ही इंजन का कैडल गार्ड मुड़ गया। रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के सभी इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को बस से कानपुर भी भेज दिया गया है। सीनियर अधिकारी घटनास्थल और कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को रवाना किया गया है, साथ ही यात्रियों की मदद के लिए रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए।